यहीं पर कृष्ण चंद्र का जन्म स्थान यहीं पर है। लेकिन जो लोग साधारण लोग में ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को पढ़ते हैं, वो सब के सब कहेंगे कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए, बताओ तो कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए। सब के सब बोलेंगे मथुरा में कृष्ण जन्म हुए। लेकिन जो श्री महाप्रभु की धारा में आए, हमारे जितने गोस्वाम लोग कहते हैं कृष्णा मथुरा में जन्म नहीं, कृष्णा मथुरा में प्रकट हुए। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे जन्म कहते हैं किसको, पर जन्म कहते हैं जब स्वाभाविक रूप में एक माँ की पेट से एक बच्चा जन्म हो और उसको बाद में बच्चे का नाड़ी छेदन भी हुआ करता है। ये माताओं को पता है नाड़ी छेदन जन्म के बाद में नाड़ी छेदन होता है। गुरुदेव कहते थे मथुरा में कृष्ण प्रकट हुए। जैसे कृष्ण प्रकट होने से पहले चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, और जैसे एकदम 16 साल के बच्चे ने घुंघराली केस चमकीले चमकीले वस्त्र, जब क्या बच्चा कभी ऐसे जन्म होता है कभी बच्चा तो जन्म होता है छोटे बच्चे रूप में। इसलिए कृष्ण वहाँ पर प्रादुर्भव हुए। लेकिन जन्म कहाँ पर हुए, कृष्ण जन्म यहीं पर कृष्ण जन्म हुए। इसलिए गुरुपाद पद्मा भागवत से, क्योंकि जो भागवत ग्रंथ है वो जितने शास्त्र का जो निचोड़ है जो सार है ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। इसलिए गुरुदेव भागवत ग्रंथ से विभिन्न श्लोकों को द्वारा उदाहरण देते थे भागवत कैसे प्रमाण करता है कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए, गोकुल में बोले कहाँ कहाँ पर हुए। बोले गोपी गीत का जो पहला श्लोक है बोले जयसी जन्म ना प्रजा इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण कौन है, बोले वसुपांगजाय वसुपा मतलब पशु को जो पालन करते हैं और उनको अंग से जो प्रकट हुए कौन है, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए गर्गाचार्य जब कृष्ण का नामकरण करते हैं वो भी यही बात को कहते हैं, बोले प्राग अयम वसुदेवस्य क्वचित जाता तवात्मज, कहते नंद कहते श्री नंद बाबा को कहते हैं बोले प्राग अयम वसुदेवस्य, उसने कभी वसुदेव का भी बेटा बना है, लेकिन बेटा किसका है, बोले ये तेरा ही ये बेटा तो वसुदेव का बेटा बना है। कहते श्री सुखदेव गोस्वामी जब नंद महोत्सव को जब वर्णना करते हैं कहते नंदस्तु आत्मज जाता लाज महामना, वहां पर भी कहते नंदस्तु आत्मज, नंद ये तेरा बेटा है। और कृष्ण जन्म होने पर कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की। इसलिए यहाँ पर वो भी कह रहे हैं, इसलिए भागवत से गुरुदेव बहुत प्रमाण तो दे देकर कहते थे कृष्ण ये नंद नंदन कृष्ण है। कहते नंद बाबा की जो पिताजी थे उनका नाम था परजन बाबा। कहते इनके पांच बेटे थे उपानंद सुनंद नंद अभिनंद और नंदन, लेकिन ये चार बच्चों को का संतान है लेकिन नंद बाबा का घर में कोई संतान नहीं। इसे नंद बाबा बड़े दुखी, घर में एक बेटा नहीं हो रहा है भविष्य में राजा कौन बनेगा। इसलिए उन्होंने जब से आशीष स्वर की उपासना की उनका आकाशवाणी हुई बोले नंद बाबा चिंता परजन बाबा आप चिंता मत करो,
तुम्हारा बेटा एक बेटा का संतान नहीं, एक दिन एक से एक बेटा जन्म लेने वाले जो कि सारा दुनिया को उजाला करेंगे, तेरे वंश को भी परंपरा बढ़ाएंगे उनका, इसलिए उनका नाम आशीष और महादेव। एक दिन नंद और जसोदा इन लोगों ने बड़ी कठोर तपस्या की, दान पुण्य पिता कर, लेकिन घर में किसी तरह से कोई बच्चा की जन्म नहीं हुआ। जब नहीं हुआ उस समय में नंद और जसोदा रात को उसने बड़ी स्वप्न देखा, बोले श्याम चंचल चारु देख नयना बाल स्तवांत स्थले, ये ब्रह्म मुहूर्त में ये स्वप्न देखा। नंद ने जसोदा को बोले, जसोदा नंद को बोले, हमने ब्रह्म मुहूर्त में एक सुंदर स्वप्न देखा। बोले क्या देखा? बोले श्याम चंचल चारु देख नयना, बोले जसोदे मैंने देखा थे ओम में बड़ा सुंदर एक श्याम रंग का बालक दौड़ रहे, दूध पीते हुए दोनों को धार से लिए कुर्ता भीग रहा था। नंदा बोले, बोले जसोदा बोले मेरे स्वप्न की बात सुन लो। बोले क्या है तेरा स्वप्न? बोले मैंने भी देखा है मेरे पीछे पीछे एक सुंदर बालक कपड़ा खींचते हुए, बोले भैया हमें गोद में उठा लो, भैया हमें गोद में उठा लो, वो भी ऐसे मचल रहा था। उसी रात को ही मैया जसोदा ने वो गर्भ धारण करती है और ब्रज में पूरा हला हो गया, मैया जसोदा के लाला होने वाले हैं। बोले श्री नंद के लाला की, जितने ब्रज की गोपियां थी छह छह महीना पहले चौरासी चौरासी गज के लहंगा बना कर रखे, चुनरी बना कर रखे, जितने गोप लोग थे वो लोग भी बगड़ी बंधल बंदी बना कर रखे, नंद के लाला होगा तो हम सबके सब बधाई देने के लिए जाएंगे। और उनकी जो बहनी सुनंदा ये सारे घर का काम काज को वही कर रही थी। ऐसे लग रहा था आज रात को ही भादो की महीना अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में मानो आज ही कृष्ण कोई घर में